हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपने हिंदी के नोट्स का पेज नंबर 3, 4 और 5 ले लीजिए। पेज नंबर 3, 4, 5 पर आपको एक पार्ट 6 चित्रबोध कथा दिया हुआ है। यहाँ पर आपको चित्र देखते हुए एक स्टोरी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिक्चर में आपको एक बंदर और एक मगरमच्छ दिखाई दे रहा होगा। तो इस चैप्टर में आपको एक चालाक बंदर की स्टोरी दी हुई है। तो ये स्टोरी आपको आपकी ऑनलाइन क्लासेस में एक्सप्लेन कर दी जाएगी। यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पोर्शन दिया हुआ है, बंदर और मगरमच्छ का चित्र बनाकर रंग भरिए। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको एक बंदर और मगरमच्छ की पिक्चर ड्रॉ कर उसमें वैक्स या पेंसिल कलर की हेल्प से कलर फिल कर कंप्लीट करनी है। ऊपर ये जो स्टोरी आपको दी हुई है, ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। अभी हम आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पर आप देख लीजिए, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट आपका दिया हुआ है, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, बंदर कहाँ रहता था। तो आपकी जो स्टोरी है वो आपको अच्छे से रीड करनी है, उसके बाद आप इजीली इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंदर कहाँ रहता था, जिसका उत्तर में आपको लिखना है, बंदर नदी किनारे एक बड़े पेड़ पर रहता था। यहाँ पर ये जो उत्तर आपको दिए हुए हैं, इन्हें आपको नीचे लिखकर भी कंप्लीट करना है, साथ ही में आप एक रफ कॉपी में राइट कर इन्हें लर्न कर सकते हैं। सेकंड आपको दिया हुआ है, बंदर क्या खाता था। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप ख में आ की मात्रा खा, त में आ की मात्रा था, खाता कर लीजिएगा। तो बंदर क्या खाता था, बंदर पेड़ के मीठे मीठे फल खाकर मज़े से दिन काट रहा था, या फिर बंदर पेड़ के मीठे मीठे फल खाता था। आप शॉर्ट आंसर भी राइट कर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड है, बंदर के पास कौन आया। तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है, बंदर के पास आप एज इट इज़ क्वेश्चन में से देखकर राइट कर कंप्लीट कर सकते हैं। बंदर के पास नदी में से एक मगरमच्छ आया। तो कौन की जगह पर आपको एक मगरमच्छ राइट कर इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, मगरमच्छ बंदर के पास क्यों आया था। तो मगरमच्छ बंदर के पास क्यों आया था, तो आपको क्वेश्चन में से आंसर राइट करते हुए आना चाहिए। पेरेंट्स ध्यान दें कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको कॉपी में इसलिए लिखवाना है ताकि जब एग्ज़ाम्स में उन्हें क्वेश्चन दिया जाए तो वो उसे उसमें से आंसर देखकर राइट कर सकें। जैसे मगरमच्छ बंदर के पास आप देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन में से ही राइट करने के लिए दिया हुआ, केवल आपको क्यों की जगह राइट करना है, खाने की तलाश में, बाकी आया था भी एज इट इज़, और क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाकर कंप्लीट करना है। तो क्यों की जगह खाने की तलाश में आपको राइट करना है, तो मगरमच्छ बंदर के पास खाने की तलाश में आया था। फिफ्थ, बंदर ने मगरमच्छ को क्या दिया। आपका उत्तर है, बंदर ने मगरमच्छ को पेड़ के मीठे फल तोड़कर दिए। यहाँ पर ये उत्तर को आपको नीचे राइट कर कंप्लीट करना है, साथ ही में इसकी रीडिंग प्रैक्टिस करना है। एक एक अक्षर अगर आप जोड़कर पढ़ेंगे तो आप इजीली इन्हें राइट कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नदी के उस पार कौन रहता था। तो नदी के उस पार मगरमच्छ की पत्नी रहती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कौन की जगह मगरमच्छ की पत्नी राइट करना है, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ आने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मगरमच्छ की पत्नी को क्या पसंद नहीं था। यहाँ पर आपका पूर्ण विराम है। तो मगरमच्छ की पत्नी को क्या नहीं पसंद था, मगरमच्छ की पत्नी को फल खाना तो अच्छा लगता था, पर मगरमच्छ का घर से देर से लौटना पसंद नहीं था। तो यहाँ पर जब आप ये स्टोरी अपनी पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं तो ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसी के बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर्स और भी ज़्यादा इजीली राइट कर सकते हैं। तो आप इसका चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपकी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मगरमच्छ की पत्नी को फल खाना तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मगरमच्छ का घर देर से लौटना उसे पसंद नहीं था। इसी के साथ में आपके नोट्स का पेज नंबर 4 यहीं कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट है आपके नोट्स का पेज नंबर 5। 8th यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से क्या कहा।
उत्तर में है, मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा कि बंदर रोज़ रोज़ इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, मैं उसका कलेजा खाऊंगी। आपको एज इट इज़ यहाँ पर आंसर राइट कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बंदर ने मगरमच्छ से क्या कहा, तो आपको उत्तर में लिखना है बंदर ने मगरमच्छ से कहा, एज इट इज़ आपका क्वेश्चन में से आ जाने वाला है कि आपको क्या नहीं लिखना है। तो बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि वो तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़कर आया है, उसे वह हिफाजत से रखता है, इसलिए उन्हें वापस जाकर कलेजा लाना होगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कहानी के अंत में क्या हुआ, तो उत्तर है जैसे ही मगरमच्छ बंदर को लेकर पेड़ के पास पहुंचा, बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला कि जाओ मूर्ख राज, घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, भला कोई अपना कलेजा निकाल कर रख सकता है। अगला है आपका प्रश्न 11, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो यह चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें एक बंदर और एक मगरमच्छ की स्टोरी आपको दी हुई है जिसके प्रश्न उत्तर अभी हमने कंप्लीट किए हैं। यह चैप्टर आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर इसे ज़रूर समझिएगा।